भारद्वाज, सोनीपत, हरियाणा से। हमारी जिंदगी में कई किस्से ऐसे होते हैं जिनसे हम महरूम रहते हैं, अनजान रहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा किरदार भी आता है जब हम उस महरूम किस्से से रूबरू हो जाते हैं। मुझे वो महरूम किस्सा मिल गया है और वो किरदार भी मिल गया है, और इस उम्मीद के साथ यहाँ बैठा हूँ कि मेरे शब्दों के साथ चलकर आप भी अपनी जिंदगी उस महरूम किस्से को जान पाएंगे और उस किरदार के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तब लिखता हूँ कि जिस किस्से से महरूम थे हम उस कहानी के किरदार, जिस किस्से से महरूम थे हम उस कहानी के किरदार बन गए। तेरे बिन कोरे कोरे से थे हम, अब कागज से अखबार। कोरे कोरे से थे हम, अब कागज से अखबार बन गए। एक उलझन सी भरी दुनिया थी, एक उलझन सी भरी दुनिया थी, हम पेचीदा से मजेदार बन गए। नादानी की एक उम्र से गुजरे थे हम बेवकूफ से समझदार। नादानी की एक उम्र से गुजरे थे हम बेवकूफ से समझदार बन गए। एक तिनके सी बिसात थी जिनकी, एक तिनके सी बिसात थी जिनकी, वो काहिल से दमदार बन गए। और बरसों से वीरान थी दिल की तिजोरी, तुझे पाया तो हम मालदार बन गए। बरसों से वीरान थी दिल की तिजोरी, तुझे पाया तो हम मालदार बन गए। और तुम्हारी तहरीक को अपना कर, तुम्हारी तहरीक को अपना कर हम खुद के मददगार बन गए। एक रूखे फूल से मुरझाए थे हम, तूने छुआ तो हम गुलजार बन गए। और लुटाई मिल्कियत सारी अपनी, लुटाई मिल्कियत सारी अपनी, फिर भी हम तेरे कर्जदार बन गए। और अरसे से चुप थी एक जबान, हम सन्नाटे से जोरदार। अरसे से चुप थी एक जबान, हम सन्नाटे से जोरदार बन गए। और एक मोड़ पर आकर हुआ काफिला तमाम। जिंदगी में आप कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं कि आपके संगी साथी, आपके यार, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपका रिश्ता सब आपको छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन थक कर बैठिएगा मत कि एक मोड़ पर आकर हुआ काफिला तमाम। तूने थामा हाथ तो हम फिर सुखदार बन गए। और जिंदगी के एक फैसले ने ली ऐसी करवट, हम बेखबर से खबरदार बन गए। बेखबर से खबरदार बन गए जब चल ना सके उम्मीद की राह पर। ये उम्मीद बहुत करते हैं लोग, मत कीजिए, ये दुख का कारण है। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं या कोई हमसे उम्मीद कर लेता है और जब उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाते हैं तो उसका हमारे प्रति व्यवहार बदल जाता है, वो हमें अलग ही तरीके से ट्रीट करता है। और तब हमारे साथ क्या होता है वो सुनिएगा कि जब चल ना सके उम्मीद की राह पर। इशारा कर रहा हूँ, अगर आपके साथ बीता है तो समझिएगा कि जब चल ना सके उम्मीद की राह पर हम अफसर से पहरेदार बन गए। जब चल ना सके उम्मीद की राह पर हम अफसर से पहरेदार बन गए। और जब उठा सवाल शेर के तलक का, मत इंतजार कीजिए कि कोई पहली पंक्ति में आएगा और आपका चुनाव करेगा और कहेगा कि आप अव्वल। एक बड़े शायर ने लिखा है कि ना किसी हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहुल साहब ने तो अपने रहनुमा खुद बनिए क्योंकि आप वो खुद हैं। कि जब उठा सवाल शेर के तलक का, हम अपने हुक्म से सरदार बन गए। उठा सवाल शेर के तलक का, हम अपने हुक्म से सरदार बन गए। उल्फत के साए में छुपी रही एक तलवार, हम जंगी लोहे से धारदार बन गए। और जब वक्त आ चला आखिरी रुखसत का, आंखें बंद करके नजर दौड़ाइएगा उस बर्फ के जैसे चलते हुए हिमालय के पर्वत पर, कि जहां घुटने तक बर्फ होती है और वो सैनिक केवल और केवल हमारे लिए खड़ा रहता है, अपना खून सुखाता है। उस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री की रेगिस्तान की गर्मियों को देखिएगा जाकर, जहां पर वो हमारे लिए अपने शरीर को गलाता है। वो आखिरी समय में भी ये नहीं सोचता कि मेरा परिवार, मेरा बेटी, मेरा बेटा कैसा होगा। वो केवल और केवल ये सोचता है कि जिन लोगों के कारण, जिन 140 करोड़ लोगों के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे यहाँ से नीचे गिर जाने के बाद वो कैसे होंगे। तब उसके बारे में लिखता हूँ कि उल्फत के साए में छुपी रही एक तलवार, हम जंगी लोहे से धारदार बन गए। और जब वक्त आ चला आखिरी रुखसत का, हम लिपट तिरंगे से फौजदार बन गए। जय श्री मां भारती, वंदे मातरम।